गाइस वेलकम बैक टू अ चैनल। आपका फिर स्वागत करता हूँ उस न्यू ब्लॉग में। और भाई सुबह के बज रहे 10, आज तो भाई फुल लेट उठे रात में, क्योंकि रात भर क्या जगता रहा, इतना तंग कर दिया ना, सो नहीं पाया रात भर हम लोग। पानी पूरा गिरा दिया भाई, बेड के ऊपर पूरा पानी गिरा दिया, और वो सूख करी तो हमें बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा रात में। कल मैं आपको दिखा नहीं पाया ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है भाई 10:30 हो चुके हैं, और मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं कर रहा हूँ खा रहा हूँ, और इसमें मेरा है बनाना शेक, और नीलम ने ये पूरा ला के रख दिया मेरे पास कि लो पियो भाई, पूरा पियो, पूरा ख़त्म करना है तुम्हें ये। हे गाइस, यार अभी टाइम हो रहा है 1 बज चुके हैं दोपहर के, ठीक है, पर आपको दोपहर बिल्कुल लगेगी नहीं है क्योंकि बारिश हो रही थी तब से, अब जाके थोड़ी बंद हुई है। आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ DJI Action 2 से, ठीक है, DJI Action 2 ये, हाँ DJI Action से कर रहा हूँ मैं अपना रिकॉर्ड, जो मैंने DJI मैंने कैमरा मंगाया था उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अब आपको थोड़ा व्यू अच्छा आएगा, 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो में, तो आपको थोड़ा क्लियर नज़र आएगा इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का व्यू नज़र है, इस साइड देखिए आपको नज़र आ रहा होगा भाई, फुल बारिश हो रही थी तब से, अब जाके बारिश बंद हुई है। नीचे मौसम और टाइम हो रहा है अभी, आपको याद नहीं होगा 1 बज चुका है, पर 1 बजे भी ऐसा मौसम है, बहुत मस्त मौसम हो चुका है भाई, ठंडा हो चुका है, बहुत दिन से गर्मी पड़ रही थी, अब जाके ठीक हुआ है, तब बहुत रिलैक्स मिला इसमें। और आप एक चीज़ बात बताना भूल गया मैं आपको कि ना, मैं आपको निकल के बताता हूँ, तो बात ये है कि गाइस कि नीलम को तो मैंने भेज दिया है, टेरेस से भेज दिया है, क्योंकि नीलम के लिए ना एक सरप्राइज़ था। एक्चुअली नीलम बहुत दिन से मुझसे बोल रही थी कि मुझे ना एक पेट चाहिए, पेट चाहिए या फिर कुछ भी, एक पेट की डिमांड बहुत कर रही थी, उसको ना फिशेस बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा ना क्यों ना उसके लिए एक्वेरियम मंगाया जाए, ठीक है। तो एक्वेरियम का मैंने जुगाड़ इस टाइप से किया कि मेरे पास पहले से ही कांच वगैरह बना हुआ था, पड़ा हुआ था जो मेरे आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ पर वो कांच लगा हुआ था, ये कांच ना अभी मैं निकलवा दिया था, क्योंकि ना इस पर क्यान बैठता रहता था, खेलता रहता था, तो पूरा ना टूटने का डर लग रहा था मेरे को उस चीज़ का, तो बस मैंने वो कांच निकलवा दिया, वो कांच पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा में, ठीक है। और इस कांच का मैंने एक्वेरियम बनवाया, और एक्वेरियम मैंने जहाँ बनवाया है ना, आप लोग शॉक हो जाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा उस जगह पे जहाँ पर, जिस एरिया मैंने बनवाया है ये, ठीक है। नाप वगैरह दे दिया था भैया को चुपचाप, मैंने सबको बता दिया था, भैया ने लेके आए, अभी सबको लगा के गए हैं, क्योंकि उससे पहले और नीलम को पता नहीं चलना चाहिए था ये चीज़, तो इसलिए मैंने नीलम को तेरे से भेज दिया ताकि वो जाए अपना रील बनाए, क्योंकि भाई मौसम भी ठीक है, तो अच्छा मैंने उसको ऐसा थोड़ा बहला के उसके बहला फुसला के उसे भेज दिया, तब तक मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि भैया ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, और एक्चुअली आपका रेडी हो गया, मैं आ रहा हूँ लगाने के लिए, तो मैंने कुछ प्लान किया, मैंने बोला चल तू ऊपर जा, तब तक मैं काम वाम कर लेता हूँ, और फिर बाद में देखिए क्या करना है। तो अभी भैया आए, भैया ने अभी सब कुछ सेट करके गए हैं, एक्वेरियम वगैरह सही से लगा दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ एक्वेरियम कैसा है, नहीं आपको भी नहीं दिखाता हूँ मैं एक्वेरियम कैसा है, जब नीलम आएगी ना नीलम को सरप्राइज दूंगा कि भाई ये देखो, उसका रिएक्शन देखिए कैसा रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ पर लगवाया एक्वेरियम, और आप लोगों को गैस पसंद आने वाला है, बहुत एक्साइट था, और नीलम के लिए सरप्राइज़ था ये, स्पेशल सरप्राइज था, मैं बहुत दिन से मैं तो सिर्फ बताना चाहता था, पर मैं सोचा कि नहीं बताऊंगा, 4-5 दिन पहले मैंने ऑर्डर दिया था इस चीज़ का, पर मैं सोचा नहीं बताऊंगा ताकि एकदम से बदले तो उसको रिएक्शन नहीं जाता कैसा लगता है, सरप्राइज से पसंद आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मैं नीलम को अभी आने वाली होगी थोड़ी देर में, आ जाएगी वो नीचे, तब रिकॉर्ड करेंगे कैसा रिएक्शन आता है, मैं दिखाऊंगा। गाइस अपन तो बैठा हुआ है, वेट कर रहा, नीलम का वेट कर रहा था, कवाई की कवाई, बारिश भी अभी हल्की स्टार्ट हो गई है, तो मेरे ख्याल से नीचे आने वाली होगी, तो उसी का वेट कर रहा हूँ। देखो बैल भी बच गई है, क्या नाम लिया तभी आ गया, तो बैल बच चुकी है और मैं इसका वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। मैं इस कैमरे को यहीं पे होल्ड करता हूँ, और इधर आ जाता हूँ कैमरे को ताकि उसका रिएक्शन देखेंगे कैसा है, ठीक है। यही तो है, ये क्या है, देखो तुम बहुत दिन से बोल रहे थे ना एक्वेरियम लाने के लिए, मैं आज तुम्हारे वाली से ऑर्डर कर दिया था एक्वेरियम, तो ये तो मैं अभी 3-4 घंटे तो गए हो, मुझे 3-4 घंटे गए हो, हां मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि हम लोग कैसे तुम्हारा रिएक्शन, गाइस यहाँ पर मैंने एक्वेरियम लगवाया था अभी, ये फिशेस वह पहले से मैंने ऑर्डर करवाई थी, मैं गया था भैया के पास जिस दिन गया था ना, वहाँ पर क्या कहते हैं 2 दिन पहले गया था, जब बैंक गया तभी मैंने तुम्हें बताई भी थी ना,
हाँ फोटो ये बताई तुमने मेरे ये वाली भी को, बताई थी। इस तो ओ इस टाइप का माय एक्वेरियम बनवाया गॉड, हमने। सच मैं आपको दूर में से दिखाता हूँ, और नीलम को तो पसंद आना ही था, मुझे पता था। ये हमारा जो टीवी सेट था ना, माय नीचे जगह खाली था गॉड, ना, तो वहाँ पर हमने एक्वेरियम बना दिया था, बनवाया मैंने, ऑर्डर करवाया था। और अभी ये सेट नहीं किया भैया ने, भैया जल्दी बजे थे तो अभी मैं ये सेट नहीं कर पाया। इसको मैं ऐसे करके बनवाऊंगा, इसे हुक लगवा के, ठीक है। और अब भी ये देखो गाइस क्या मस्त एक्वेरियम, ये मैं 3 फुट का एक्वेरियम बनवाया मैंने, और इसमें फिशेज मैंने कम से कम 16 to 19 फिशेज लेके आया इसमें। देखो वाह, हंस लग रहा ना। बाय गॉड। मैं बता 3 4 घंटे के लिए ऊपर गई थी, रील्स बना रही थी, रील्स नहीं बना रही थी, आंटी भी आ गई थी, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, और मेरे को मैं सोच भी नहीं पा रही अभी तो मैं इसे साफ कर रही थी और ये खाली था। मैं बहुत दिनों से कह रही थी एक्वेरियम के लिए, पर अभी थोड़ा बजट नहीं हो पा रहा था, और साहिल ने मना कर दिया था कि अभी नहीं बना पाएंगे, थोड़ा बजट सही नहीं चल रहा है, और नेक्स्ट मंथ देखेंगे दिवाली के बाद वगैरह। पर मेरे को कसम से बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं 3 4 घंटे के लिए गई हूँ ऊपर, और इतने में इन्होंने कर दिया अपना। भाई ऐसे ही सरप्राइज देता हूँ मैं, ऐसे ही। मैंने कसम बहुत दिन से से। बोल रही थी यार पेट चाहिए, क्योंकि देखो डॉग्स वगैरह तो हम रख नहीं सकते यार, डॉग्स तो मेरे पास पहले से डॉग्स ही है ही वहाँ पर है, और हम यहाँ फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में ना ये डॉग वगैरह रखना बहुत मुश्किल रहता है यार, उनको ना डेली लेके जाओ और थोड़ा प्रॉब्लम होती है फ्लैट वगैरह में। तो एक्वेरियम एक अच्छा चॉइस था मेरे पास, ऑप्शन था मेरे पास कि हाँ मैं ये ले सकता हूँ, जिसको पसंद भी था एक्वेरियम घर में लगाना, बहुत दिन से बोल भी रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यही करवा लिया जाए, तो अभी मैंने ये करा दिया और इन्हें बहुत पसंद आया इसे। अभी क्यान जगह नहीं है ना, तो क्यान भी देखेगा तो उसको भी खुश हो प्लीज जाएगी, यार क्यान भी क्यान जगेगा, क्योंकि क्यान को इतना पसंद है, क्योंकि हाँ नीचे आंटी है, आंटी के यहाँ पे एक्वेरियम लगा हुआ है, तो वो कभी कभी गया हुआ मतलब जाता था, तो वो सीधा वहीं पर जाता था, और अभी वो सो रहा है, उसको भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। बाय गॉड, वो उठेगा कसम से, वो इसी के पास आएगा, और मैं तो इतना खुश हूँ ना, मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा कि इन्होंने लगवा दिया, क्योंकि एक बार में तो मेरी बात सुनते नहीं है, और भी इन्होंने तो बिल्कुल मना किया था कि नहीं नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी वैसे ही बहुत खर्चे हो गए थे, तो फिर हमने थोड़ा सा बोला था डिले करेंगे, पर बाय गॉड सीरियसली मेरे को इतना पसंद आया ना, मैं देख के बस मैं भूल ही गई सब कुछ। अब तो मैं यही बैठी रहूंगी, आपको जब दिखूंगी ब्लॉग में यही बैठी मिलूंगी आपको, तो अभी अच्छे बहुत सेट नहीं लग हुआ रहा अभी है। ना मैंने यहाँ पर ना ये कट करवा के लाया, ताकि ना इस पर वेट आएगा ना, तो इसलिए मैंने अभी ये सेट करवा देता, अभी बीच में और लगवाना पड़ेगा ताकि बैंड ना हो, बाकी अभी इसमें ना इसमें यहाँ पर थोड़ा बीडिंग वगैरह लगेगी, तो ये तो सारा ये क्या सेट हो कुछ जाएगा। यही काट वाट के गए हैं हाँ सारा कुछ करके गए, वो पहले से नाप मैंने नाप दे दिया था उनको, साइज और बता दिया था, तो उस हिसाब से उन्होंने किया है। और वैसे देखो फिशेज वगैरह गोल्डन फिश वगैरह लेके आए हैं, और ये पता नहीं क्या क्या है मेरे पास, शार्क वार्क, तो मेरे शार्क वार्क तो मैंने ऑर्डर नहीं कर पाया था, जो जो मुझे पसंद आ रहे थे वहाँ पर मैंने सारे ऑर्डर कर दिए थे। गाइस देखो आपको कैसा लगा बता, जरूर बताना कमेंट में कैसा लगा एक्वेरियम आपको। नहीं मैं तो अभी दोबारा जाऊंगी, अब मैं फिशेस को मैं लेके आ ही सकती हूँ, फिशेस में लेके आऊंगी और प्यारी प्यारी फिशेस लेके आऊंगी, और वैसे सारी प्यारी है, कलरफुल से एकदम। ये छोटी छोटी वाली भाग रही है, मैं मार रही हूँ, तो ये देखो ये पैरेट फिश बोलते हैं ऐसे इनको, मेरे ख्याल से पैरेट फिशेज होती है, नाम तो मुझे किसी को पता नहीं, गोल्डन फिश का नाम पता था, और ये रेड हुड वाली मुझे बहुत पसंद थी ये वाली फिशेज, तो मैंने ये स्पेशली ली थी, और ये ब्लैक शार्क जैसे दिखती है थोड़ी, ये भी सही लगी मेरे को, मैंने ले ली थी, पर शार्क नहीं है ये। और इसमें 2 फिशेज और हैं जो ना काई खाती रहती है यार, वो ना वो भी नहीं है क्या? हाँ वो भी है, कहीं ना कहीं छुपी रहती है वो, अभी आई थी तो छुप गई, पता नहीं कहाँ है वो, कुछ ना कुछ खाती रहती है, तो बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर को डेकोरेट करूँ, मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, दिमाग में आता रहता है मेरे, फिर मैं साहिल से बोलती हूँ कि चलो हम ये करते हैं, तो जो उनको सही लगता है, जो उनके बजट में होता है वो करवाते हैं, और जो नहीं होता वो नहीं करवाते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर को और सुंदर बनाऊँ, और सुंदर बनाऊँ। मैंने अभी बहुत सारी चीज़ सोच रखी है, मैं धीरे धीरे कर भी रही हूँ, और भगवान चाहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी होगी, मैं अच्छा सा बना के फिर जब मेरा फाइनल जब हो जाएगा ना सब कुछ, तो मैं एक बार फाइनल टूर दोबारा करवाऊँगी आपको। पर अभी मेरे एक विश में से ये पूरा हो गया है, अभी दूसरा है एक और, वो साहिल को पता है होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि मुझे मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, और मुझे तो बहुत पसंद है फिशिंग के ना, तो देखो यहाँ पर ना ऐसा लग गया है तो अच्छा लग रहा है, मतलब साइड से व्यू देखने में एकदम लग रहा है कि फिट है इसके अंदर। मेरे को लगा इधर लाइट क्या जल रही है, मैंने एंट्री की तो मैंने नज़र दिया था, मेरे को बाय गॉड मैं सीरियसली बहुत शॉक्ड हो गई, ये लाइट मतलब एंट्री करते हुए ना बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ना, ये सारी चीजें इधर की साइड से लुक भी इसका ना अच्छा आ रहा है, मतलब देखोगे आप इस साइड से देखो लुक देखो तो कितना अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए गाइस तो आप वेट करते हैं क्यान के जगने का, क्यान जब उठेगा उसका देखने देखना, क्योंकि उसको बहुत पसंद है एक्वेरियम, क्योंकि जब भी किसी घर जाता है एक्वेरियम वगैरह लगे रहता है तो वहाँ पर खड़ा होता है जाके, बस फिशेज को टच करता रहता है सर, तो उसका वेट करता है, जैसे ही वो जगता है फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसा उसका रिएक्शन होता है, हम भी देखेंगे कैसा होता है। चलिए भाई टाइम हो रहा है अभी
4 बज गए हैं और अभी से अंधेरा हो गया यार, पूरा अंधेरा हो गया। देखो लाइट तक जल गई है 4 बजे, फुल अंधेरा हो गया भाई। मौसम आज बहुत बिगड़ा हुआ है। चलिए कोई गेट पे कोई आया हुआ, पता नहीं नीलम क्या रेट ले रही है, देखता हूँ क्या ले रही है। नीलम देख कौन है, कोई नहीं है। बता क्या क्या बंद, तुम जाओ। क्या है बता ना, ये क्या है, पार्सल क्या है? किसके लिए? हरदम मेकअप सामान आते रहती है भाई ये लड़की, पता नहीं क्या करने वाली है, हरदम मेकअप सामान। इसमें है क्या मेरे शक्ल पे देखना, कोई मेकअप का सामान है? हाँ क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या है ये? शुगी के लिए बनाया क्या है? क्या है इसमें? सिपर और स्लीपर दोनों ही खराब हो गए हैं। सिपर और स्लीपर जाएंगे। मैंने ऑनलाइन 2 बार मंगा दी, उसका साइज ही नहीं फिट हो रहा है, तो मुझे शॉप तक तो जाना पड़ेगा लेने। ये कैसा है, तो टिफिन बॉक्स लग रहा है। ये क्या है? ये बच्चे के गले में टांग दो। ये तो भाई कंप्लीट डिफरेंट लग रहा है मेरे को, फर्स्ट टाइम देखा मैंने सिपर ऐसा। तो मैं उसकी मम्मी अच्छी सी चीजें मंगाती है, तो पता है बच्चों के लिए चीजें ऐसी मंगानी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसे एंजॉय करें भी और खाना भी हो जाए पीना भी हो जाए। तो उसकी सारी चीजें मैं इस तरीके से ही सोच सोच के और ढूंढ ढूंढ के मंगाती हूँ, ताकि वो देख के उसे अच्छा लगे और वो अब इससे ज़्यादा पानी पिएगा। मैं पूरा 100% श्योर हूँ कि वो बहुत इससे ज़्यादा पानी पिएगा। पर ये बस सिर्फ उसको देना नहीं है हाथ में, और मैं अपने पास ही रखूँगी। पर चलिए गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है यार, 4 बज चुके हैं, तो अभी बस थोड़ा चाय वाय पीते हैं, ठीक है। और मौसम आज बहुत मस्त है भाई, बहुत ठंडा मौसम है, बहुत मस्त लग रहा है, और अभी से अंधेरा हो गया, बाहर बाहर लाइट चल गई, अभी से अंधेरा हो चुका है। चलिए भाई ठीक है, मज़ा आ रहा था ऊपर, मैं तो रील्स बना रही थी, मैं रील्स बना रही थी और मुझे नीचे सरप्राइज मिल गया। मैं कल भी जाऊंगी रील्स बनाने, कल भी सरप्राइज दोगे? ठीक है, कल तुम्हें और कुछ मिलेगा सरप्राइज। सोनिया बेटी कहाँ है? ये मेरा शुगू बोल रही थी ना, तो हंस रहा था शुगू। ये देखो हंस रहा है शुगू। शुगू गुल्ली गुल्ली शुगू, उठ जाओ ज्ञान, चलो उठ जाओ अपने से। ऐसा बच्चा देखा है जो सोते हुए ऐसा हंसता हो? और ये फोटो देख रहे हैं आप होंगे, ये फोटो हमारे शादी से पहले की हमारी, जब फोटो शूट हुआ था हमारा, प्री वेडिंग शूट हुआ था हमारा, तब की फोटो ये हमने पीछे लगा के रखी है। अभी अभी कुछ किया नहीं, डेकोरेट ज़्यादा किया नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ करना है यार। चलिए ज्ञान भी चख चुका है, अब पीते चाय भाई, और टाइम भी अच्छा है, मौसम अच्छा, पकौड़े खाने मन कर रहा है इस टाइम पर, तो देखते हैं क्या करते हैं। माफ़ी के